हरिओम हरिओम। बोलो गुरुजी महाराज की। तो मेरा नाम नेचर लवर पूरन स्वामी जी है। तो मेरी एक सोच है कि आपां नूं नेचर नूं जिहड़ा बचाना चाहिए है, पानी नूं बचाना चाहिए है, पेड़ लगाने चाहिए है। तो हुण आपां जिहड़े ने महाराज जी दे दर्शन करन चले हैं, कोई भी चीज़ खानी है खा के ना उड़े मैं एक लिफाफा लगाया, कोई कोल्ड ड्रिंक पीनी है उन्हें तुसी इहदे विच पा देना, ताकि अपनी बस विच साफ सुथरा जिहड़ा इनवायरमेंट रहे। और उत्थे भी कोई चीज़ आपां कोल्ड ड्रिंक जां उत्थे सुधांशु जी महाराज जी दे प्रोग्राम होएगा, उत्थे सत्संग होएगा, तो आपां ने कोई भी चीज़ खा के जिहड़ी है डस्टबिन च पानी है, पाओगे ना डस्टबिन च, तो आपां ने जिहड़ा गुरु जी का आश्रम जिहड़ा है कि साफ सुथरा रखना है, और उत्थां दा जिहड़ा इनवायरमेंट है वह भी साफ सुथरा रखना। बोलो गुरु जी महाराज की जय। बोलो गुरु जी महाराज की जय। मैं सारे भक्तों का बहुत धन्यवाद करता जिन्होंने मैनू सहयोग दिता। परिवर्तन से काहे को डरता है, कितनी लंबी रात हो भी दिल तो आएगा। ताली बजाइए ताली बजाइए। दिल तो बोलो गुरु जी महाराज की जय। बोलो गुरु जी महाराज की जय। आज मैं सुधांशु जी महाराज जी के भजन कीर्तन सुनने पंचकुला मोरनी रोड पे आया हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, वहाँ पर मुझे पुराने दोस्त साथी देविंदर जी मिले हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने मुझे पहचाना, इन्होंने क्या कहा कि मुझे पहचाना आपने? हाँ जी, लाफिंग क्लब। ये मुझे लाफिंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ सभी को हंसाता हूँ, और पिछली बार इनका सत्संग पटियाले में हुआ था, तो मैं सुधांशु जी महाराज जी को और उनके शिष्यों को बहुत हंसाया था, तो इसलिए इनको मेरा नाम याद है। मैं इनका बहुत शुक्रिया करता हूँ कि नाम जो है, जो जिनको लोग ज़्यादा मिलते हैं उनको नाम कम लोगों के याद रहते हैं, मेरा नाम याद है, मैं इनका बहुत शुक्रिया करूँ। एक बार मुस्कुरा दीजिए। थैंक यू। समाया है गुरुदेव तुमर तेरी माया है, सूरज में भी ओम है चंदा में भी ओम है, देव में ओम माया है देव तुमर तेरी माया है, सजाया है गुरुदेव तुम्हें तेरी माया। Thank you.
सबको निरोग रखना, सबको ऐसी सुबुद्धि देना कि एक दूसरे का भला देखें, बुरा देखकर खुश ना हो। और सब लोग दुखों से बचें और भगवान आपकी मेहर सबकी जोड़ियों में निरंतर बने। कोई तो को नहीं बचता है, दिए से दूसरे दिए जला दिए जाए, एक दिए से करोड़ दिए जला दिए जाए तो भी उस पहले दिए की रोशनी कम नहीं होती, वो फिर पूरा न पूरा होता है। मेरा मतलब पूरा है, मेरा गुरु भी पूर्ण है और मेरे ऊपर भी उस पूर्ण की ही कृपा है। मैं परिपूर्ण के शरण में जाता हूं, वह हमारा कल्याण है। तो इस मंगल प्रार्थना के साथ हर दिन आह्वान कीजिए कि बधाई लेने के लिए और बधाई देने के लिए सद्गुरु मेरे घर पर आते रहना। मेरे रोग शोक कष्ट हटाने के लिए और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देने के लिए और मेरे रिश्तों में प्रेम बढ़ाने के लिए मेरे घर में केला डालते रहना। मेरे दिल में कपिश हो, आप आंसू से भरी हो, मेरे अपने ही अगर मुझे छोड़ दें, मेरे सदगुरु कभी मत छोड़ना, कृपा बनाए रखना। क्योंकि उससे बढ़कर मेरा अपना कौन है। मेरी जिंदगी समर जाए अगर तुम मिल से के लिए
अभिचार किया है, टीम बना रहे हैं और वो टीम अब काम करेगी उनसे जुड़े रहने के लिए। आपने क्या करना है, जिन जिन के बच्चे भी बाहर हैं उनका टेलीफोन नंबर आपने हमको देना है और उनका ईमेल भी हो वो भी हमारे पास भेज दीजिए और उनको समझा भी देना कि गुरुजी के यहाँ से फोन आएगा तो उनके साथ में अपने आप को जोड़ लो कि जिससे गुरु के संदेश वहाँ भी मिलते रहे और तुम तो अपने माँ बाप से, अपने धर्म से, अपने देश से जुड़े रहो। कठना क्या तो किन किन के बच्चे बाहर बैठे हैं हाथ खड़ा करके बताइए, इतने सारे लोगों के बच्चे बाहर हैं। हाँ, तो किसी का सिडनी में, किसी का यूके में, किसी का न्यूजीलैंड में और किसी का कनाडा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु कार्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सभी लोग आपकी अंजलि बनाकर जहाँ आप हैं वहीं से आरती में भाग लेंगे। गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा प्रसाद उन्ना ही लैना कि जूठा नहीं छड़ना। तो सारे भक्तों को मैं बेनती करांगा भी प्रसाद उन्ना ही लैना जूठा नहीं छड़ना। बोलो हरिओम। तो सारे भक्तों को बेनती है कि प्रसाद उन्ना ही लैना जूठा नहीं छड़ना, ठीक है जी। हरिओम। तो सारे भक्तों को बेनती है कि प्रसाद उन्ना ही लैना
कि आपने जूठा नहीं छड़ना। बोलो हरिओम, थैंक यू, हरिओम, हरिओम, हरिओम। बोलो गुरुजी महाराज की, बोलो गुरुजी महाराज की। सारे भक्तों नु बेनती है कि प्रसाद उन्ना ही लेना है कि जिन्ना आप खाइए, जूठा नहीं छड़ना, ठीक है जी। थैंक यू धन्यवाद। मैं आचार्य कुलदीप पांडे, आप हसमुख और आपने इतने लोगों को हंसाया और जिस समय आप हंस रहे थे तो वास्तव में लग रहा था कि आपकी नेचुरल हंसी है, स्वाभाविक हंसी है और उस हंसी ने मैं समझता हूँ कि शायद एक एक लोगों को हंसने पर विवश कर दिया था। भगवान ये हंसी सबको दे जो आपको नेचुरल हंसी मिली हुई है, जिससे आप सबको हंसाने में सक्षम हो जाते हैं। ऐसी हंसी सबके होठों पर हो, यही हम गुरुचरणों में प्रार्थना करते हुए यही कामना करते हैं और भगवान से इनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। ये इसी तरह से हंसते रहे आप और लोगों को भी हंसाते रहे। जय गुरुदेव, हरिओम, हरिओम। मैं लगभग 25 सालों तो सुधांशु जी महाराज जी के नाल जुड़वाया, मैनू इन्हों के प्रवचन जो ने बहुत अच्छे लगते ने। इन्हों के प्रवचन जो होंगे ने परिवारिक प्रवचन होंगे ने, परिवार विच किवें रहना है, किवें रहन सहन करना है, किवें समाज च रहना है, ये सारे उन्होंने इस टॉपिक ते ही ज़्यादा प्रवचन आते हैं। मैनू इन्हों के प्रवचन बहुत ही अच्छे लगते ने और लगभग पटियाले शहर के नज़दीक किथे भी प्रोग्राम होंगे, चाहे राजपुरे, चाहे पंचकूला या चंडीगढ़ मोड़ने विच, तो मैं मेरी कोशिश होंगी है कि मैं इन्हों के हर सत्संग ते जाना, तो मैनू इन्हों का जिहड़ा है कि सत्संग बहुत ही अच्छा लगता है। तो नाल मैं जाके जिहड़े हैं इन्हों के जिहड़े ने संगे सत्संग भाई होंगे ने सारे उन्होंने मिलना, तो उन्होंने मिलना मैनू बहुत अच्छा लगता है। तो कई सत्संगी भाई जेड़े ने उन्होंने मेरी पहचान भी हो गई है, तो कई को पूछा कि तुसी मैनू जानते हो, कहते हाँ जानते हो जेड़े तुसी हसांदे हो। तो कई सत्संग नाल मिल के मैनू बहुत अच्छा लग्या, तो उन्होंने भी अच्छा लग्या। तो पटियाले विच कुछ महीने पहले सुधांशु जी महाराज आए सी, तो मैं उन्हों का बैनर लगा के उन्हों का वेलकम किया सी, ते नाल उन्हां तो मैं आशीर्वाद मंगया सी कि मैं हस्ती हुई दुनिया बना रहा, तो मैनू तुसी आशीर्वाद दो। उन्होंने मजाक मजाक विच मैनू कहते कह दिया कि आपकी मूछें तो बहुत बड़ी है तो आपको आप बनाइए हस्ती हुई दुनिया, पहले आप खुद तो हसीए बाद में हस्ती हुई दुनिया बनाना। तो उन्होंने बहुत ही मेरे साथ मजाक से बात की और मोरनी में भी कई बार मैंने उनके दर्शन किए हैं और दिल्ली में भी उनके आश्रम में मैं गया था और उनके दर्शन किए हैं। और जो उनकी गतिविधियां, हॉस्पिटल चल रहा है आँखों का और गौशाला बनी हुई है, वहाँ पे गोकुल बना हुआ है, बच्चों जो सीख रहे हैं, मैं सभी को मिला, तो मुझे वहाँ जाकर भी बहुत अच्छा लगा। और जहाँ भी जाता हूँ मैं वहीं पर अपना मैसेज जरूर देता हूँ। आज मैं सुधांशु जी महाराज जी के दर्शन करने जा रहा हूँ, आज मैं बस पे सभी संगत प्रेमियों को मैसेज दे रहा हूँ, आप कुछ भी खाएं तो उसे डस्टबिन में डालें और आश्रम में भी कुछ खाएं तो उसे डस्टबिन में डालें ताकि हमारी इन्वायरमेंट साफ सुथरी और सुंदर हो। और मैं जगह जगह पे स्टिकर भी लगाता रहता हूँ और आज भी मैंने वहाँ पे योगा डे के शुभ अवसर पर करो योग रहो खुश इसका भी एक बैनर लगाया। तो उनके साथ मुझे उनसे मिलना और उनसे बातें करना और उनकी संगत के साथ बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उनका भी मिशन है विश्व जागृति मिशन, मेरा भी हस्ती हुई दुनिया बनाने का मिशन है। जो बड़े बड़े संत होते हैं उनका मिशन भी बड़ा बड़ा
होता है। तो मैं तो अभी इतना बड़ा नहीं हूँ, मैंने तो अभी छोटा सा ही मिशन शुरू किया है, हंसता हुआ पटियाला। तो मुझे भी उम्मीद है कि मैं भी एक दिन हंसती हुई दुनिया बनाऊंगा। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और सभी ने मुझे वहाँ पर सहयोग दिया और मैंने वहाँ पर लंगर का आनंद भी लिया, सत्संग का भी आनंद लिया। और वहाँ पे जो है आज गुरु पूर्णिमा मनाई गई, तो मैंने कहा कि गुरु पूर्णिमा तो अगले महीने 21 तारीख को है। और संगत ने कहा कि गुरु जी ने कई जगह जाना होता है, इसलिए आज वो गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। तो मेरी एक सोच है कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन सभी गुरु इकट्ठे हों और हमारे विश्व का कल्याण करें, तो ये मेरी एक इच्छा है। तो जय गुरुदेव, हरिओम हरिओम हरिओम।